तो महान लोगों कैसे हैं आप सभी लोग। यात्रा सीरीज का ये कैंडल स्टिक साथ है। जितने माय डियर स्टूडेंट, जितने व्यूअर अभी इस वाली वीडियो को, इस थंबनेल को देख करके उपस्थित हुए होंगे कि चलो ट्विजर टॉप या ट्विजर बॉटम्स को पढ़ते हैं, तो उन सबको लेकर के बता दूं कि यात्रा सीरीज में हम लोग फर्स्ट कैंडल स्टिक, सेकंड कैंडल स्टिक, थर्ड कैंडल स्टिक, फिर फंडामेंटल, फिर टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन और वॉल्यूम, ये पूरी सीरीज कवर कर रहा है। इसको कंप्लीटली बाइंड अप कर देंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीरीज में काम स्टार्ट करेंगे ना। अगर आप लोग इस वीडियो से जुड़ रहे हैं तो इसको तो पहले पूरा पढ़ लीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर के फर्स्ट कैंडल स्टिक से लेके अंतिम तक की सारी क्लासेस को डायरी और पेन पर नोट कर लीजिए। अगर आपको लगता है आप ऐसे ऐसे बैठे थे, सर्व कर रहे थे, सर्फिंग करते करते आपको ये वीडियो दिख गई तो आपको लगा लेट्स स्लाइड, लेट्स चेक इट, तो मैं पहले बता देता हूँ, बेस्ट आदमी चाहिए, अस्त व्यस्त आदमी नहीं चाहिए, डेडिकेटेड आदमी चाहिए, फोकस्ड आदमी चाहिए, यूं ही सर्फिंग करते हुए रुक जाने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए, डायरी पे लेकर के नोट्स बनाने वाला चाहिए, क्योंकि तो जब ये कंप्लीटली 3 डेज का कैंडल स्टिक कंप्लीट हो जाएगा, तीनों कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोगों ने मैराथन इंट्रोड्यूस किया है जहां पे हम लोग ना थाउजेंड्स ऑफ द टेक्निकल पार्ट्स को, टेक्निकल चार्ट को अलग अलग में फ्रेम पे डिस्कशन करेंगे। उस दिन में आप लोगों को मारू भोजू मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, डोजी, ये सब नहीं पढ़ाने वाला हूं। क्यों? क्योंकि पहली बार जाकर के यूट्यूब की पूरी यूनिवर्सिटी को चेक करिए ना, आप लोग पूरा टाइम तो है आपके पास, चेक करिए कि लोगों ने 15 मिनट्स में फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये तीनों के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल, मतलब ऐसे समझ रहे दुनिया के सारा ज्ञान भर दिया है 15 मिनट में, आपको पूरा ज्ञान वहां से मिल जाएगा। और फिर जब आप जानते ना सेबी के जाकर डिस्क्लेमर पढ़िएगा, 10 में से 9 वहां मारे जाते हैं बेमौत ना। जरा कोई भी आप ब्रोकरेज फॉर्म यूज करते हैं ना, आप स्टॉक, जीरोधा, ग्रोथ, कुछ भी, जरा उसको ओपन करिएगा, पहला डिस्प्ले देखिएगा फ्यूचर और ऑप्शन पे क्या आता है कि भैया बिवेयर हो जाओ, 10 में से 9 ना यहाँ बिन मौत मारे जाते हैं। आपको उसे बचा रहा हूं, आगाह कर रहा हूं, ये नहीं कि कैंडल स्टिक्स देख लिया 15 मिनट में दुनिया का सारा ज्ञान, लाइब्रेरी में बैठ जाइए, गूगल पे दुनिया के सारे ज्ञान है। मैंने आपको फिर कहा मैं कमिटेड हूं कि आपको पूरी तरीके से वैल्यू दे करके रखूंगा, तो आपसे भी एक कमिटमेंट चाहिए कि अगर मैं 30 मिनट एक एक कैंडल्स पर, हमने 30-30 मिनट की वीडियो शूट करी है, हमने 30-30 मिनट के बाद आप लोगों से पूछताछ केंद्र शुरू किए हैं कि आइए और सैटरडे संडे बैठिए और हमसे आपसे डिस्कशन करिए कि हम आपके साथ किस तरीके से ऑनलाइन सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, पेड वर्जन है लेकिन उसके बावजूद भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट किया, क्योंकि मेरे यूट्यूब के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, व्यूअर हैं, वो भी मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो एक टीचर के नाते ना मैंने जीरो से लेकर फाइनल तक का सारा काम किया है, ये नहीं कि यूट्यूब पर आए, एक वीडियो बनाए, आपसे व्यूज लिए, आपसे आपका रिलेशन लिए, उसके बाद नहीं। यात्रा सीरीज में आप देखिए शुरू से लेकर अंत तक, तो मैं आप लोगों का ना जो कीमती समय लेकर 2 मिनट आपका यूज किया हूं ना, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मेरा ये कहना है कि लगातार हम जब YouTube पे ना एनालिटिक्स को देखते हैं तो हम देखते हैं कि आप लोगों को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ हम ये कैंडल्स की बात करते हैं ना, आपको लगता है सिर्फ कैंडल की बात करें, 2 मिनट में 5 मिनट में काम करें, रील्स बना दें, मतलब 1 मिनट में। माय डियर, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, चाहे हमारे संस्था को आप चैनल को सब्सक्राइब करिए या नहीं करिए, अगर आपके पास बुद्धि है, विवेक है, सरस्वती जी आपको कुछ भी ज्ञान दे रखी है तो आपको पता है कि ऐसी दुनिया है जहां पर 15 मिनट कुछ नहीं होता, हर 15 मिनट में कुछ हो जाता है, यहाँ 15 मिनट में कुछ नहीं होता, हर 15 मिनट में यहाँ कुछ हो जाता है, ये लाइन को कहीं लिख लीजिएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि हर 15 मिनट में अगर कुछ हो तो हम वहां तक आप तक पहुंचाते हैं और सही टाइम पर वो चीज आपको मिल जाए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लगातार मैं आपसे बोलता रहता हूँ कि मेरे भाई समय खर्च करिए, अगर हम आपसे आधा घंटा समय ले रहे हैं तो उसके बाद मैं आपसे क्या ले रहा हूँ, सिर्फ यही तो कह रहा हूँ ना, डायरी पेन पर नोट्स बनाइए, मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ ना कि एक समझदार स्टूडेंट की तरह प्रिंसिपल डिसिप्लिन हो जाइए, कमिटमेंट को कंप्लीटली करिए ना, ये नहीं कि आप 15 मिनट 20 मिनट की आधे घंटे की वीडियो देख करके ज्ञान हासिल कर लेंगे और एकदम ऊंचाइयों पर चले जाएंगे। मैं खुद ही बोलता हूँ कि ये 40% का खाली काम है, 60% तो हमको आपको पढ़ना है, 60% ये है ना, 40% तो आपको पता चल गया तैरना कैसे है, 60% ना जब ट्रेनर खड़ा होता है और कोई तैराक अंदर जाता है तो वो जो फीडबैक देता है उसको जो हम फीड फॉरवर्ड करते हैं वो टेक्निकल बात होती है, वो लॉजिकल बात होती है, वो रिलेशन बिल्डिंग वाली बात होती है। पूछताछ सीरीज में हम लोग इसीलिए आप लोगों को लेकर आए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, पूछताछ वाले सीरीज पर जाइए, एप्लीकेशन को फुलफिल कर लीजिए, रजिस्टर्ड हो जाइए वहां पर, ठीक है ना, तो उसमें हम लोग एकदम पूरी तरह से 100% आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च किए हैं, उसका पूरा अनाउंसमेंट हम वहां पर आप लोग को दे देंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं ट्विजर टॉप की, इससे पहले हम लोगों ने बात किया था ट्विजर बॉटम की, ट्विजर बॉटम और ट्विजर टॉप पे क्या था,
कि ट्वीजर बॉटम में नीचे से कैंडल को सेम लेवल पर रिजेक्ट हो रहा था, उसी को आप उलट दीजिए, ये ट्वीजर टॉप हो जाएगा। यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि ट्वीजर टॉप का मतलब होता है कि कोई भी ऊपर जा रही हो मार्केट और उसे टॉप से जो है ना रिजेक्शन मिल जाए, सेम जगह से रिजेक्शन मिल जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्वीजर टॉप कहते हैं। जरा इस चीज को अलग अलग कैंडल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक ग्रीन कलर के कैंडल सॉलिड ऊपर जा रही थी, अचानक से देखिए आपको दोनों बॉडी में, यहाँ पर की बॉडी यहाँ की बॉडी देखिए, दोनों बॉडी में अचानक से एक सेम लाइन पर सेम हाई कहते हैं इसको, सेम हाई। हाई का मतलब यहाँ पे इस चीज को समझिएगा, ये ऐसे सॉलिड में भी अगर आप देखेंगे तो हाई, और अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये कैंडल्स में भी हाई ना, इस कैंडल में अगर अभी बना हुआ ना तो भी हाई। चलो एक हाई से रिलेटेड एक लॉजिकल बात बोलता हूँ, ठीक है ना। पेड क्लासेस कैसे होता है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये एक सॉलिड ठीक है ना कैंडल बनी हुई है, ठीक, और एक कैंडल ये बनी हुई है ऐसे भी, तो जाहिर सी बात है यहां पर आप देखिए कि यहां पर मार्केट यहां से ग्रीन कैंडल लगी है, तो यहां से ओपन हो रही है, यहां पे क्लोज हो रहा है, ठीक है ना। और यहां पर भी ये भी ग्रीन कैंडल है, यहां पर आपको पता है कि ये ओपन हो रही है और यहां पर ये जो है क्लोज हो रही है, ठीक। तो यहां पर तो हाई है, चलो मुझे बताओ कि इस वाले में ना कैंडल में क्या हाई और लो है, इस वाले में तो दिख रहा है, क्या इस वाले में हाई और लो है, नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अंतिम में मैं इसका क्वेश्चन का आंसर दूंगा कि ऐसे पढ़ा जाता है, अलग अलग फॉर्मेट में पढ़ा जाता है, तो ये मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैंडल नंबर ए में लोअर और हाई है या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। और अगर है तो किस तरीके से है, उसका अर्थ और आशय क्या है, ये भी मुझे बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए ग्रीन कैंडल रेड कैंडल सेम लाइन पर सेम हाई पर टॉप से रिजेक्ट हो जाती है, तो क्या कहलाती है, ट्वीजर टॉप, ठीक है ना। यहां पर देखिए यहां पर इस बार रेड कैंडल बन जाती है, इधर ग्रीन कैंडल बन जाती है, ये भी सेम जगह से आप रिजेक्ट होती है, सेम बॉडी रिजेक्ट होती है, तो यहां पर भी हम इसे क्या कहते हैं, ट्विजर टॉप। यहां पर देखिए दोनों का वीक एकदम एग्जैक्ट सेम लाइन पर है, तो इसलिए हम लोग यहां पर देख लेकर के कहते हैं कि यहां पर भी सेम टॉप से दोनों को रिजेक्शन मिला है, इसलिए हम लोगों ने इसको कह दिया ट्विजर टॉप। आई होप सब कुछ आप समझ पाएंगे, क्योंकि ट्विजर बॉटम भी तो हम लोग पढ़कर आए थे ना, बॉटम में क्या होता है, रिजेक्शन बॉटम से मिल जा रहा था सेम लाइन से, ठीक है ना। अब यहां पर आ जाते हैं ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम को लेकर के थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट जो व्यूअर यहां से जुड़े हुए उनको थोड़ा सा यहाँ पिक्चर क्लियर हो जाएगा। बाकी मैंने कह दिया कि यात्रा सीरीज का अगर पहली क्लास से लेकर अंतिम क्लास तक नहीं पढ़ रहे हैं तब तक आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, सिंपल सी भाषा समझ लीजिए। जरा हम बॉटम को देखें तो बॉटम में क्या हो रहा था, मार्केट नीचे की ओर आ रही थी, सेम लो पर सेम जगह से रिजेक्ट कर जाती है, सेम जगह पर सेम जगह से बॉडी रिजेक्ट कर जाती है, इसलिए हम इसे कहते हैं बॉटम। कौन सा बॉटम, ट्विजर बॉटम। यहां पर सेम जगह से हाई पर, ये देखिए हाई आई और सेम जगह से रिजेक्ट कर जाती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, टॉप से रिजेक्ट करती है, इसलिए हम कह देते हैं इसे ट्विजर टॉप। यहाँ पर भी देखिए सेम बॉडी सेम जगह से रिजेक्ट कर गई, इसलिए हम इसे कहते हैं ट्विजर टॉप। तो दोनों के बीच में अंतर क्या समझ में आया, कि बॉटम से रिजेक्ट करें तो ट्विजर बॉटम, हाई टॉप से रिजेक्ट करें तो ट्विजर टॉप, ठीक है ना। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलो अलग अलग तरीके से पिक्चर्स को ध्यान दो, ये नहीं कि अब आपने पढ़ लिया कि साहब ये और ये दोनों सेम जगह से रिजेक्ट हो रही है, तो थोड़ा कैंडल्स में देख लेते हैं कि एक जगह मारुबोजू बन रहा है और एक जगह शॉर्ट कैंडल बन रही है। सर एक जगह पर हमने पूरी हाई देखी, एक जगह थोड़ी छोटी बॉडी देखी, सर एक जगह हमने तो सॉलिड कैंडल देखी एकदम पूरा मारुबोजू की तरह, दूसरे में चलो एक क्वेश्चन दे देते हैं, ये वाली कैंडल का नाम क्या है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना आप लोग, ठीक है ना। इसके कंपैरिजन में इस कैंडल को क्या कहोगे, नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, फर्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न के आधार पर, ठीक है ना, सिर्फ एक कैंडल पैटर्न के आधार पर। तो यहां पर हमने आपको क्या दिखाया कि देखो भैया पहले ग्रीन बनी फिर देखो साहब रेड बनी ना, लेकिन यहां पर देखिए दोनों का रिजेक्शन जरा देखिए सेम लेवल पर था ना। अब यहां पर देखिए साहब पहले ग्रीन बन गई, दूसरे में भी ग्रीन बन गई, लेकिन रिजेक्शन देखिए दोनों का एक सेम जगह पर था। देखिए इस वाले में ग्रीन बन गए, इस वाले में क्या बना है, क्वेश्चन मुझे नीचे बताइएगा। और यहां पर साहब बॉडी ही नहीं है, सिर्फ वीक और वीक ही है, और लेकिन रिजेक्शन देखिए दोनों का एकदम सेम जगह पे हुई है। यहां पर देखिए कि सर यहां पर थोड़ा सा वीक निकला हुआ है, जबकि यहां पर बॉडी सॉलिड है, देखिए रिजेक्शन। तो जब अलग अलग तरीके से फॉर्मेट में हम ना अलग अलग प्रैक्टिस करते हैं ना, तब हमारी मैच्योरिटी आती है। हाँ यार ग्रीन रेड हो जाए, ग्रीन ग्रीन हो जाए, ग्रीन रेड हो जाए, रेड ग्रीन हो जाए, या फिर दोनों कैंडल स्टिक्स के पैटर्न एक में विक हो एक में बॉडी हो, या एक में बॉडी हो दूसरे में विक हो, या दोनों में विक विक हो, भाई जब ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना तब मैच्योरिटी आएगी।
ना, इसलिए पूरी तरीके से खून पसीना इंसान यहाँ पर खर्च कर रहा है कि जिससे हम आप में ना वैल्यू ऐड कर सकें। और आपको लगता है कि हम खाली काम की बात करें, चित्र चित्र पर बात करें, तो भैया इतने बेहतरीन लोग हैं ना, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप कहीं पर भी चले जाएं। टीचर का धर्म है जब तक आप हमारे साथ हैं तब तक हम आपके साथ बहुत ईमानदारी से लगे। और अगर आप किसी वजह से हमसे नहीं पहुंच पाए कि भाई बहुत पढ़ाते हैं, बड़ी देर तक बात करते हैं, तो ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, आप जहां भी रहें अच्छे से रहें, ईमानदार रहें और मेहनत करते रहें, क्योंकि 10 में से ना 9 नहीं बनने देना चाहते। वो जो 10 लोग है ना, 10 लोग 100 में से जो ना 99% लोग इस दुनिया में फेल है ना, उससे बचाने के लिए बात कर रहे हैं। बाकी तो भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, बस समय नहीं दिया आपके पास। सबसे व्यस्त आदमी है आप, बाकी कहां व्यस्त है थोड़ा इसको चेक करने की कोशिश करिएगा, कहीं आप अस्त व्यस्त को अपना व्यस्तता तो नहीं बता रहे हैं, इसको जरा सा चेक करिएगा, फिर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ट्विटर टॉप में माय डियर एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, एक रेड कलर की कैंडल बनती है, और दोनों देखिए एक सेम जगह से रिजेक्ट हो जाती है, तो इसको हम लोगों ने क्या कह दिया, ट्विटर टॉप। यहाँ पे देखिए सेम वही एक रेड कलर की कैंडल डाउन ट्रेंड पर बनती है और यहाँ पर अप ट्रेंड पर बनती है। यही चीज इस पिक्चर के माध्यम से हमें समझना है कि अप ट्रेंड पर बन रही थी तो यहाँ से रिजेक्शन मिल गया, डाउन ट्रेंड पर बन रही थी तो यहाँ पर रिजेक्शन मिल गया, यहाँ बॉटम से रिजेक्शन मिला, यहाँ पर हमें बॉटम से रिजेक्शन मिला, तो हमने इसको कहा ट्विजर बॉटम, ठीक। यहाँ पर टॉप से हमें रिजेक्शन मिला तो हमने इसे कह दिया ट्विजर टॉप। चलो मूव करो भैया, आगे हम लोग बातचीत कर लेते हैं, थोड़ा सा रूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को नोट्स बनानी होती है, तो नोट्स के आधार पर देखिए, द ट्विजर टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न इज द बियरिश काउंटर पार्ट, ठीक ना, टू द ट्विजर बॉटम पैटर्न, इट इज अ रिवर्सल पैटर्न दैट फॉर्म्स एट द पीक ऑफ एन अपट्रेंड, मतलब पीक ऑफ द अपट्रेंड, यहाँ पर जो है टॉप पर आपको रिजेक्शन मिल जाता है एंड अपट्रेंड, एंड सजेस्ट अ पोटेंशियल रिवर्सल टू द डाउन ट्रेंड, और यहाँ के बाद मार्केट एक डाउन ट्रेंड की ओर जाती, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इसका जो है डेफिनेशन क्या कहता है ट्विजर टॉप, क्योंकि आप लोग को डायरी पेन में नोट्स बनानी होती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं कि कैंडल्स क्या कहती है, कैंडल्स के फॉर्मेशन को थोड़ा समझ लेते हैं। फर्स्ट कैंडल स्टिक, द फर्स्ट कैंडल स्टिक इज अ बुलिश अपवर्ड, क्या होनी चाहिए, बुलिश अपवर्ड मतलब ग्रीन कलर की होनी चाहिए। चलो बन गया कैंडल स्टिक दैट एस्टैब्लिशेस अ हाई पॉइंट ऑफ द अपट्रेंड, हाई पॉइंट ऑफ द अपट्रेंड का मतलब यहाँ पर एक सॉलिड बिग कैंडल जाती है, तो इसका मतलब है एक सॉलिड हाई अपट्रेंड है। सेकंड कैंडल स्टिक क्या करती है, द सेकंड कैंडल स्टिक इज ऑल्सो बुलिश एंड यूजुअली हैज अ सिमिलर और स्लाइटली हायर कंपेयर टू द फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न, मतलब जो दूसरी कैंडल बनेगी वो भी सेम बनेगी, वो भी बुलिश ही होगी, क्यों, क्योंकि दोनों का जो हाई होगा ना वो बिल्कुल सेम जगह पर होगा, टॉप पर होगा, इसलिए इसे ट्विजर टॉप कह देते हैं। बॉटम पर होता लोअर हाई होता, एकदम लोअर लोअर पे बॉटम से रिजेक्शन हुआ था तो उसे बॉटम कह देते हैं, 20 बार पढ़ चुके हैं, ठीक, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने से ना वो आपके जहन में आ जाता है। इट शुड नॉट मेक अ सिग्निफिकेंट हायर हाई कंपेयर्ड टू द फर्स्ट कैंडलस्टिक, मतलब हायर हाई का पैटर्न बनाते नहीं है, एक ही जगह पर दोनों के हायर जो है ना रिजेक्ट हो जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं ट्विजर टॉप, ठीक है ना। चलिए एक कदम आगे चलते हैं, यहां पर देखने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। अब आप क्या देख रहे हैं, यहां से देखिए मार्केट अप ट्रेंड में जा रही थी, कौन सी ट्रेंड में जा रही थी, अप ट्रेंड में जा रही थी, पढ़ चुके हैं, एक ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म होती है, एक रेड कलर की कैंडल फॉर्म होती है, दोनों टॉप से रिजेक्ट हो जाती है, एकदम यहीं से रिजेक्ट हो जाती है, ठीक ना, जैसे रिजेक्ट होती है तो इसलिए टॉप से रिजेक्ट हुई है, दोनों बॉडी एकदम एक लाइन से, एक लेवल से, एक ही सेम लाइन से रिजेक्ट हुई है, इसलिए हम लोगों ने इसे कह दिया ट्विजर टॉप, टॉप से रिजेक्ट हुई है सेम लाइन से, इसलिए ट्विजर टॉप कह दिया। फिर यहां पर आप देखिए कि मार्केट में एक आपको यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिलता है, जो कि अभी आगे पढ़ेंगे ना, यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कोई आपको समझते हैं, और अगर नीचे समस्या भी है ना तो आप नीचे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, मत भूलिएगा, या तो बोर्ड लाइन नंबर पे फोन लगा करके भी आप अपनी क्लासेस के तहत जो भी जानकारी लेना चाहें वो भी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, कहीं से वो आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ पेड क्लासेस वालों के लिए ही वो सुविधा है ना माय डियर, जब आपको लगे कुछ पूछना है एजुकेशन से संदर्भित बेझिझक होकर के कॉल लगाइए, हमारी टीम से बातचीत करिए, ठीक है ना। चलिए ट्विजर बॉटम के बारे में देखते हैं, यहां से देखिए आपको नीचे एक बेहतर तरीके से डाउन ट्रेंड आ रहा था, अचानक से सेम लेवल पर, सेम लेवल पर या सेम लाइन पर आप लोग क्या देखने को मिला, इनके लोअर दोनों रिजेक्ट हो गए और एक अप ट्रेंड देखने को मिल गया, इसको क्या कहा गया, बॉटम से रिजेक्ट हुआ, इसलिए इसे कहा गया ट्विजर बॉटम। यहां पर देखिए मार्केट अप ट्रेंड में जा रही थी, दोनों का देखिए विक विक, यहां पर देखिए हाई और हाई दोनों सेम लेवल पर, सेम
लेवल पर क्या हुई है, रिजेक्ट हुई है, सेम लेवल पर रिजेक्ट हुई है, इसलिए इसको क्या कहा गया, टॉप से रिजेक्ट हुई है, तो इसलिए कहा गया ट्विजर टॉप। और यहां से मार्केट को क्या मिल गया, एक डाउन ट्रेंड मिल गया। तो ये पिक्चर आप लोगों को पूरी तरीके से मोटिवेट कर दी ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम को इक्वली बगल बगल देख करके समझने में। अब सबसे पहले यहां पर देखो कि अगर किसी भी स्टूडेंट को लगता है ना ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम बनता क्यों है ना, तो ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम ना सेकेंड कैंडल स्टिक पैटर्न की सबसे बेस्ट क्लास है। जानते हो क्यों, क्योंकि ये ना आपको एक सॉलिड मोमेंटम देती देती, क्योंकि कॉलर्स चाहे बायर्स पुटर ना, चाहे पुट वाले हो चाहे कॉल्स वाले हो, चाहे बायर्स हो चाहे सेलर्स हो, दोनों का एग्रेशन सेम होता है, सेम जगह पर रिजेक्शंस पाते हैं, और जो ट्रेंड मिलता है ना वो वॉल्यूम से भरा हुआ मिलता है। क्यों, क्योंकि कैंडल बिग होती है, पीछे का पिक्चर देखिएगा कैंडल बिग होती है, कैंडल बिग होने से वॉल्यूम ट्रेड करता है। प्राइस एक्शन का थोड़ा ध्यान में रख लेना, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वली लड़ रहे हैं, दोनों सेम जगह से रिजेक्ट हुए हैं, तो प्राइस को थोड़ा सा मैटर कर लेना। उसके बाद अगर आपको लगता है, क्योंकि इसमें फेक ब्रेकआउट और फेक कॉल्स भी बहुत होती है, मैंने आप लोगों को 20 बार समझाया है कि कैंडल स्टिक्स में सबको मतलब ए टू जेड अगर मैं बात करूं ना सबको मतलब, चाहे स्टॉक सिलेक्शन में आप बात करिए, चाहे डेरिवेटिव एंड इक्विटीज में आप बातचीत करिए, चाहे ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग में भी अगर आप बातचीत करिए, तो ए से लेकर जेड तक सब कुछ मैनिपुलेशन है, सब कुछ झूठ है, इसीलिए बहुत रिस्की माना जाता है। लेकिन अगर आप एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पर गए हैं तो इससे बेहतर दुनिया कोई नहीं है अपने करियर को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो अब यहां पर हमें समझ में आया कि भैया अगर सब कुछ सब झूठ है तो फिर हम इसमें प्रैक्टिकली कैसे सक्सेस पाए। पहले तो एजुकेट करिए, अपने शिक्षित करिए जितना हार्डवर्क करेंगे, और दूसरा प्राइस एक्शन और वॉल्यूम को अपना दोस्त बना लीजिए, कैपिटलिस्ट को FII और DII को अपना दोस्त बना लीजिए। सिंपल सी भाषा में एक बात बोलूं, आप कितने भी नीरस क्यों ना हो, कितने भी आपके अंदर डीमोटिवेशन क्यों ना हो, एक बार ना कोशिश करके ना जरा हाई फ्रिक्वेंसी की एनर्जी के लोगों से मिलकर आइए। जैसे कभी मौका मिले ना, मतलब मैं एक उदाहरण ही बोल रहा हूं, कभी अगर आप ना मौका मिले ना खाली मुकेश अंबानी के चैंबर से भी घूम आएंगे ना, तो बस उस दिन से आपकी ना सोच को पर लग जाएगा। ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ना, ऑरा। तो मैंने आपसे क्या कहा, या तो एजुकेट हो जाइए, आप अपने आप को ना इस तरीके से ट्रेंड करिए जैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने आप को ना डिसिप्लिन तरीके से ट्रेड करते हैं, या तो ना प्राइस एक्शन और वॉल्यूम को अपना दोस्त बना लीजिए, या मैंने क्या कहा था मुकेश अंबानी के चैंबर के इर्द गिर्द घूम आइए। अब अच्छा वो वाली बात को थोड़ा सा लॉजिकल समझाते हैं, क्या कहे कि अगर क्रिकेटर बनना है तो सचिन तेंदुलकर जी जैसे बड़े लोगों का, महान लोगों के परछाई में भी रहोगे ना तो भी सफल हो जाओगे। तो मेरे कहने का अर्थ ये था यहां पर कि मान लीजिए किसी वजह से आप प्राइस एक्शन और वॉल्यूम पर ट्रेड करना सीख गए, तो अगर आप कैपिटलिस्ट को अपना दोस्त बना लीजिए, जैसे FIIs को दोस्त बना लीजिए, DIIs को दोस्त बना लीजिए, समझ लीजिए वो जैसे ट्रेड कर रहे हैं, बस उनके साथ में रह लीजिए ना, तब भी आपकी मौज हो जाएगी। क्योंकि जब प्राइस एक्शन ट्रेड करता है तो वहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम ऑपरेटर FIIs और DIIs होते हैं, वॉल्यूम भी अच्छा होता है, प्राइस भी बहुत अच्छा होता है, मौज ही मौज होती है। तो इसमें से जो आपको सही लगे उसका चुनाव आप कर लीजिए, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, ठीक है ना। और अगर आपको लगता है कि ए से लेकर जेड तक पढ़ना चाहिए तो अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल पे बोर्ड लाइन नंबर पे कॉल करके भी हमसे जुड़ सकते हैं, च्वाइस आपकी है ना। टेलीग्राम चैनल आप लोग के कहने पर मैंने बनाया है, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अब ट्रेंड जा रही थी, अचानक देखिए एक हाई, यहाँ पे देखिए दूसरा हाई, यहाँ पे देखिए तीसरा हाई। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर क्या हम ट्रिपल कैंडल स्टिक पढ़ रहे हैं, नहीं माय डियर, इससे पहले भी तो मैंने आप लोग को बताया था कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पर एक कैंडल दो कैंडल की ही बात, तो सेम लाइन पर इसी से हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी बनाते हैं। आगे की क्लासेस पूरी ऐसे ही होंगी, ट्रेंड लाइन बेसिस के आधार पर हम लोग लेके चलते हैं, अभी सब कुछ सिखाएंगे। अभी यात्रा सीरीज की सेकंड कैंडल स्टिक पैटर्न पर बातचीत चल रही है, तो अभी हम यहाँ पर देखें 2003 से ज्यादा भी कैंडल स्टिक एक लेवल पर अगर रिजेक्ट कर रही है, एक लाइन पर रिजेक्ट कर रही है, तो भी हम उसे टॉप कहेंगे। दो या दो से ज्यादा कैंडल भी अगर सेम लेवल पर रिजेक्ट हो रही है तब भी हम उसे ट्विजर टॉप ही कहेंगे। बात समझ आ गई, ट्रिपल कैंडल स्टिक्स में अभी आगे की क्लासेस डिस्कशन होंगी। यहां के बाद फिर हमें मार्केट में एक डाउन ट्रेंड दिखा और यहां पर देखो एक बुलिश हमें रिजेक्शन देखने को सेम यहां पर भी मिला। अब यहां पर आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं इस चीज को लेकर के कि आपका क्या कहता है यहाँ का सेंस, ये वाला क्वेश्चन आपके जहन में हो गया कि क्या आप इसे ट्विजर बॉटम कहेंगे, क्या आप इसे ट्विजर बॉटम
कहेंगे? नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थोड़ा एक्सरसाइज आपका भी हो, थोड़ा चलन प्रचलन आपका भी हो, मुझे भी पता चले ना कि हाँ भाई साहब यहाँ तक मैंने पसीना बहाया तो मेरे स्टूडेंट यहाँ तक बने हुए और बढ़िया तरीके से पढ़ करके मुझे कमेंट बॉक्स में रिस्पॉन्स कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखिए फिजर को लेकर के बनता हुआ कैंडल, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि मार्केट यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में चली आ रही थी, यहाँ पर देखिए एक छोटा सा, फिर यहाँ पर आप देखिए दो टॉप पर और फिर यहाँ से आपको एक रिजेक्शन मिल गया। क्या यहाँ पर भी इस तरीके से हम बना सकते हैं? तो हाँ बना सकते हैं। यहाँ पर बॉटम पे देखिए एक हाई यहाँ पर है, एक लो यहाँ पर है, फिर उसके बाद मार्केट में एक रिवर्सल देखने को मिला। क्या यहाँ पर भी समझा जा सकता है? हाँ यहाँ पर भी समझा जा सकता है, दोनों के लोअर एक जगह पर रिजेक्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद आपको मार्केट में एक मोमेंटम दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब आपके अंदर ये पहचानने की क्षमता फटाफट होनी चाहिए। बस सिंपल सा है कि एक आप नीचे सपोर्ट लाइन खींच लीजिए, जहां पर भी आपका लोअर या जहां पर भी आपका लोअर, ठीक है ना, आपस में एक दूसरे के साथ सेम लाइन पर रिजेक्ट कर जाए तो आप उसे कंसीडर कर लीजिए, ठीक। तो यहां पर मैंने आपको समझा दिया। अब थोड़ा सा इसके गोल्डन रूल की बात करते हैं। गोल्डन रूल पर जाने से पहले ना एक करेक्शन कर देते हैं जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। ये जो डार्क क्लाउड लिखा हुआ ना माय डियर, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। हम लोग ट्विजर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इससे पहले वाले में मैंने आपको बताया था, इस वाले में बताया था। इतने सारे काम हैं, इतने आपने हम लोगों को जिम्मेदारी दे रखा है, कभी कभी कुछ मानने में गलती हो जाती है, तो इस चीज को लेकर के मुझे आशा है कि आप लोग इस चीज को कंसिडर करेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे बता दिया कि वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ ट्विजर टॉप, अर्लियरली वी डिस्कस्ड इट ट्विजर बॉटम, राइट। दोनों जगह पे आप लोगों को करेक्शन मैंने करा दिया था, जो टीचर की जिम्मेदारी है गलती देखने के बाद उसको करेक्ट करा देना। ट्रेंड अगर आप देखें तो यहाँ पर ट्रेंड अप ट्रेंड होता है, आपने पढ़ लिया है। फर्स्ट कैंडल ग्रीन होती है तो आपने इस चीज को समझ लिया है। फिर रेड, सेकंड कैंडल रेड होती है, सेकंड कैंडल रेड हमने समझ लिया, होने को रेड और ग्रीन दोनों हो सकते हैं, क्योंकि इससे पीछे का पिक्चर तो आप क्लियरली देख चुके हैं। फिर कंडीशन होती है तो बोथ कैंडल हाई लुक सेम, दोनों का जो हाई है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। अब यहां पर आपको पता है कि इसके बाद मार्केट की कंडीशन चेंज हो जाती है और यहां पर मार्केट बियरिश हो जाती है, ट्रेंड चेंज हो जाता है। इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक यहाँ पर क्वेश्चंस में छोड़ करके गया था, तो आई होप उस क्वेश्चन को पहले आप लोगों ने आंसर तो किया ही होगा, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि देखो भाई ये आपका एक कैंडल है, ठीक है ना, और ये आपकी एक कैंडल है, ठीक। थोड़ा सा इसको और करेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। यहां पर मैं इसका हाई बना देता हूं, एक कैंडल ये है, ठीक, और इसको थोड़ा सा कम कर देता हूं, नहीं तो आपको लगेगा कि ये नीचे से भी सेम जगह रिजेक्ट हुई है ना। तो अब आपने क्या देखा कि यहां पर तो सेम नहीं है, यहां पर आपने देखा कि दोनों कैंडल जो है ना सेम जगह से रिजेक्ट हुई है यहां। और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भैया ये ग्रीन कलर की कैंडल है, मान लेते हैं रेड कलर की कैंडल है, तो इसका ओपन यहां से होता है, इसका क्लोज यहां होता है, इसमें रिवर्स हो जाता है, इसका ओपन यहां होता है, क्लोज यहां होता है ना। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें विक नीचे है ही नहीं, तो लोअर हमको समझ नहीं आया, हाई इसमें दिख नहीं रहा तो हमें समझ नहीं, लेकिन इसमें अगर दिख रहा है तो हमने सर इसमें हाई है, लेकिन इसमें नीचे विक नहीं दिख रहा तो क्या सर इसमें लो है? यही मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। नीचे आपने कॉमेंट बॉक्स में बताया होगा, ये मुझे उम्मीद है, लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता हूं। देखो मेरे भाई, कई बार क्या होता है ना, लोअर ना, ये आप इसको पहले ग्रीन कैंडल के लिए समझिए, जी लिख दे रहे हैं ग्रीन कैंडल के लिए, लोअर इज बस टू ओपन कभी कभी हो जाता है, ठीक। इसका मतलब यह है कि आप ये जो इसका ओपन देख रहे हैं ना, अगर इसमें किसी प्रकार की कोई वीक नहीं है ना, तो इसे ही आप लोअर भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट जहां से ओपन होती है, सॉलिड जहां पर क्लोज हो जाती है, इसको इसका बेस लोअर कह देंगे और इसका इसको टॉप हायर कह देंगे। इसका मतलब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि क्या ये एकदम सॉलिड ओपन और सॉलिड क्लोज हुई है, तो क्या यहाँ पर लोअर और हायर है, तो आप आंसर करेंगे यस है। तो आपसे कोई पूछेगा कैसे है, तो आप कहेंगे कि लोअर उसका ओपनिंग प्राइस था और हायर उसका सॉलिड क्लोजिंग प्राइस है। इसका मतलब कि लोअर इज इक्वल्स टू ओपन प्राइस इज बिकम्स अ सॉलिड कैंडल, इज इट फाइन। तो इसका मतलब यहां पर आपने क्या समझा कि इसमें लोअर है, लेकिन जहां से लोअर स्टार्ट हुआ वहीं से प्राइस भी ओपन हुई, वहीं से बायर अग्रेसिव हो गए ना, और जहां पर जाकर के क्लोज हुई वहां पर वो हाई नहीं बनाए, वो अपना सॉलिड क्लोज हुई है। इसका मतलब उसका वो हाई है। इसका मतलब एक सॉलिड ग्रीन कैंडल चाहे रेड कैंडल में अगर किसी वजह से आपको विक नहीं दिखाई देता, तब भी उसके अंदर लोअर और हाई है। इज इट फाइन,
मुझे लगता है आप लोग चीज को समझ गए होंगे। अब यहाँ पर बात आती है एंट्री और एग्जिट के बारे में हमें समझने की, कि भैया गोल्डन रूल में अगर ऐसा हमें फॉर्मेट दिखता है तो हम एंट्री और एग्जिट कहाँ करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ टाइम फ्रेम में ना एकदम ट्रू है। फिर बात करते हैं आप एंट्री कहाँ करेंगे, तो कहते हैं बिलो सेकंड रेड कैंडल, क्यों, क्योंकि रिवर्सल आ रही है, डबल एक रेड कैंडल फॉर्म होने के बाद अगर दूसरी रेड कैंडल फॉर्म होती है तो ज्यादा कंफर्मेशन है, इसलिए हम बिलो द सेकंड रेड कैंडल हम अपने आप को कहीं एंट्री बनाएंगे, स्टॉप लॉस बनाएंगे अबव सेकंड रेड कैंडल, जो पहले वाली कैंडल थी ना उसी के अपर साइड कहीं हम अपनी एक स्टॉप लॉस बनाएंगे। चलो थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए प्रैक्टिस करने में हमने इसको ले लिया, अब अगर हम इसे ले लेते हैं तो देखिए माय डियर यहां से ट्रेंड अप ट्रेंड जा रहा था, आप पूरे पिक्चर को क्लियर समझिएगा, प्रैक्टिस करा रहे हैं। फिर यहां पर देखिए सेम हाई पर सबको रिजेक्शन मिल गया, क्या मिल गया, रिजेक्शन मिल गया, तो रिजेक्शन मिलने पर टॉप से रिजेक्शन मिला तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, ट्वीजर टॉप। इतने में कोई डाउट, इसका मतलब बाद में हमें क्या समझ में आता है कि भैया यहां से ट्रेंड चेंज हो जाता है और डाउन ट्रेंड हो जाता है, ट्रेंड चेंज हो जाता है और किधर की ओर जाता है, डाउन की ओर जाता है, मतलब डाउन ट्रेंड हो जाता है। अब यहाँ एंट्री कहाँ लेंगे, तो देखो भैया ये वाला जो कैंडल ना ये इसका यहाँ पर जो रिजेक्शन आप देख रहे हैं ना प्राइस क्लोजिंग का, यहाँ पर आप ऐसे करके एक लाइन खींच लीजिए, अगर इसके बाद यहाँ पर भी एक रेड कैंडल मिलती है तो यहाँ कहीं जो है ना आप अपनी क्या कर लीजिए, एंट्री बना लीजिए। इतने में कोई डाउट, यहाँ कहीं आप अपनी एंट्री बना लीजिए। स्टॉप लॉस कहाँ बनाएंगे, ये जो आप सेकंड कैंडल रेड देख रहे हैं ना इसका जो हायर है वहां आप कहीं अपना स्टॉप लॉस बना लेंगे। मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब था कि अगर आपका रिजेक्शन जो है ना यहां से हुआ है, इस चीज को समझिएगा, यहां सेम जगह से रिजेक्शन हुआ है, यहां पर आपको एक सॉलिड ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही थी, ग्रीन कैंडल जी लिखा हुआ है, फिर उसके बाद एक रेड कैंडल दिखाई दी, यहीं से रिजेक्शन हुआ, उसके बाद एक फिर रेड कैंडल दिखाई दी, यहां से दोनों के बीच में अपने देख करके कि कहां आपको प्राइस बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही, कहां आपके लिए खरीदना अच्छा है, वहां पर आप अपना कहीं यहां कहीं एंट्री बना सकते हैं, स्टॉप लॉस यहां कहीं आप बना सकते हैं। तो एंट्री पता चल गई, स्टॉप लॉस पता चल गया। अगर आप बात करते हैं कि सर हम अपना टारगेट कहां पर बनाएंगे, तो टारगेट को लेकर भी मैंने आपको बताया था एक रूल हमेशा से कि भैया अगर मान लीजिए आपने SL जो है वो 20 पॉइंट लिया है तो हमेशा इसका 2 गुना या 2.5 गुना अपना टारगेट एनफ है, वहां तक अपना बना के रखिए, और अगर उसके बाद आपको मोमेंटम आपके फेवर में दिखता है तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए वहां तक पहुंचिए। अब किसी स्टूडेंट को लगे कि सर स्टॉप लॉस ट्रेलिंग क्वांटिटी मेंटेनेंस ये सब क्या होता है, तो माय डियर मैं डे फर्स्ट से लगातार इस पर काम करता हुआ पढ़ाता हुआ आप लोग को आ रहा हूं, कुछ आपका भी फर्ज बनता है, कुछ आपका भी नैतिक दायित्व बनता है, डे फर्स्ट से लेकर के कैंडल को पढ़ते हुए आइए और सारी चीजों की नोट्स बनाइए, आप उसमें बेहतर तरीके से सफल हो जाएंगे। कैंडलस्टिक जब भी आपको फॉर्म होते हुए दिखाई देती है ना तो आपको मोमेंटम एक अच्छा देखने को मिलता है। जब हम ये ट्रिपल कैंडलस्टिक्स का क्लास कंप्लीट कर लेंगे, जब हम प्रैक्टिस पर आएंगे ना अलग अलग चार्ट्स के जो मैराथन हम लोग स्टार्ट करेंगे, वहां पर ना आपको बहुत मजा आएगा जब आप इस चीज को लाइव एक्सपीरियंस करते हुए देखेंगे। साथ ही साथ पूछताछ सीरीज में आप लोग बिल्कुल जुड़े रहिएगा, जब हम लाइव वहां पर आपके साथ क्वेश्चन आंसर कर लेंगे ना, आपके क्वेश्चन का सारा जवाब दे लेंगे हम अपने साथ, आपके साथ मिल करके ना उसको और ब्यूटीफुल और बेहतर बनाएंगे, तो उस समय पर हम और आप एक चीज का विशेष ध्यान देंगे कि हम वहां पे प्राइस ट्रेडिंग तो सीखेंगे साइकोलॉजी बिल्डिंग की भी एक बहुत अच्छी सी क्लास वहां पर उपस्थित करेंगे। बाकी आप सभी लोग इसी तरीके से चैनल पर प्यार बनाए रखिए, आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, बहुत अच्छे से खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और लगातार अपने पैसे का ख्याल रखिए और अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आशुतोष अस्थाना साइनिंग आउट।